जीतते हुए देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड मैं ऐसे ही आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखेंगे, इमिग्रेशन के वीडियोस आप शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसकी नॉलेज मिल सके, एंड आप लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको मेरे जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का ये ड्रीम है कनाडा में जाके सेटल होने का, तो बहुत सारे कैटेगरीज में आप बाहर नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो बीच में आते हैं जिसकी वजह से आप बाहर नहीं जा सकते कनाडा। तो एक बहुत सारे लोगों की ये डिमांड भी थी कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट वीज़े के बारे में बताऊँ, तो आज मैं आप सबके सामने इन्वेस्टमेंट वीज़े के बारे में बताऊँगी। आप ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, क्योंकि मैं इसमें सभी प्रोविंसेस के जो है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स आपके साथ बताऊंगी, एंड उसी के हिसाब से आप अपने हिसाब से, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आप अपनी प्रोविंस चूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना इमिग्रेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट कर सकें। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी इसमें है कि हर एक प्रोविंस का अलग अलग प्रोसीजर है, हर एक प्रोविंस का अलग अलग इंग्लिश लेवल रिक्वायरमेंट है, हर एक प्रोविंस का अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर एक प्रोविंस का अलग अलग एज लिमिट है, एंड हर एक लिमिट प्रोविंस का अलग अलग जो है एडेप्टिबिलिटी पॉइंट्स हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुनना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बताती हूँ कि 2014 से पहले फेडरल इन्वेस्टमेंट प्लान था जो कि कनाडा के लिए था, जिस प्लान के अंडर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे एंड कनाडा में कहीं पे भी आप सेटल हो सकते थे। पर एक ट्रीटी साइन की गई है सीआईसी के साथ, सीआईसी ने अदर प्रोविंसेस के साथ, कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम स्टार्ट होंगे जिसकी वजह से जो है हर एक प्रोविंस में उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोग आके सेटल हों, वहाँ पे इन्वेस्ट करें, एंड वहाँ पे जो भी उनकी कैटेगरी क्रिटेरिया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी प्रोविंसेस में जो है डेवलपमेंट हो एंड वहाँ पे लोग आके रहें। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होने चाहिए, एंड दूसरी जो है कि इसके लिए आपकी कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको इस प्रोग्राम के अंदर पीएनपी बिजनेस इन्वेस्टमेंट या पीएनपी बिजनेस एंटरप्रेन्योर वीज़ा जो है कैटेगरीज डिफरेंट प्रोविंस की डिफरेंट हैं, तो आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, आपकी जो है पुलिस क्लियरेंस होनी चाहिए क्लियर, एंड आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल फिट होनी चाहिए, एंड आपका जो नेटवर्थ है वो अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे कैनेडियन डॉलर्स के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यूबिक फेडरल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, वहाँ पे कोई भी आदमी फेडरल स्किल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंदर भी करवा सकता है। सबसे पहले मैं आपको क्यूबिक के बारे में बताती हूँ। तो क्यूबिक के अंदर बिजनेस इमिग्रेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपको नेट वर्थ होना $300,000, 3 लाख कैनेडियन डॉलर्स का आपके पास नेट वर्थ होना ज़रूरी है। 3 लाख कैनेडियन डॉलर्स 1.5 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ आपके पास होने ज़रूरी हैं आपके अकाउंट में, एंड वो 300,000 जो कैनेडियन डॉलर्स हैं, 100,000 इज 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख रुपीज़ आपके सोर्स ऑफ फंड, मतलब कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए उसका सोर्स भी होना ज़रूरी है। एंड उसके बाद आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्यूबिक में करनी है 1 लाख कैनेडियन डॉलर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 50,000 इंडियन रुपीज़ आपको जो है वहाँ इन्वेस्ट करने ज़रूरी है, पर 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ आपके अकाउंट में होने ज़रूरी हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको मैनेजमेंट स्किल का जो है 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम आपके बिजनेस का मैनेज करने का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ताकि ये आप प्रूव कर सकें कि आपके पास बिजनेस स्किल है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे एंड वहाँ पे आप कमाएंगे। एंड इसमें जो क्यूबिक का पीएनबी ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसमें आयल्स में आपके 6 बैंड्स पूछे हैं, ओवरऑल 6 बैंड्स इन आयल्स टू प्रूव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, एंड देयर इज़ नो एज लिमिट।
एज लिमिट नहीं है, पर आप 22 ईयर से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये है क्यूबिक का जो प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान है। आप क्यूबिक के बारे में सोच सकते हैं। 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ आपका नेटवर्थ होना चाहिए, आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। आपको जो है 3 साल का मैनेजमेंटल जो है बिजनेस को मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो है 50 लाख इंडियन रुपीज़ आपको वहाँ पे कंपलसरी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये है आपका जो इसका क्यूबिक का जो है प्रोग्राम का, इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ब्रॉन्सविक बिजनेस एप्लीकेंट प्रोग्राम। ब्रॉन्सविक में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आजकल जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उसका मैं आपको बताती हूँ कि उसका इन्वेस्टमेंट प्लान आपका क्या है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड 1,25,000 कैनेडियन डॉलर एंड नेटवर्थ ऑफ 300,000 कैनेडियन डॉलर नेटवर्थ। तो आप देख लीजिए, ये भी 300,000 मतलब 1.5 करोड़ इंडियन रुपीज़ है, एंड ये होगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 70 लैक्स और 65 to 70 लैक्स इन बिटवीन कैनेडियन डॉलर्स आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं ब्रॉन्सविक में। तो जैसे ही आप फंड बताएंगे कि हमारे पास बैंक में इतने फंड हैं, साथ में आपको प्रूफ ऑफ फंड्स और सोर्स ऑफ फंड बताने पड़ेंगे कि ये फंड आपके पास कहाँ से आए। एंड आपकी एज लिमिट इसमें होनी चाहिए 22 ईयर्स to 55 ईयर्स ऑफ एज आपकी। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ के जो है आपके फिटनेस के जो टेस्ट्स होंगे, प्लस आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, कोई ऑफेंस आपने नहीं किया होना चाहिए कंट्री में। इसके लिए आपको 3 इयर्स का मैनेजमेंटल एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा, एंड आईएलटीएस में 5 ओवरऑल बैंड बताने ज़रूरी हैं। पर इसमें एक चीज़ है कि ये कहते हैं कि 50 पॉइंट्स आपको मिनिमम अडेप्टिबिलिटी पॉइंट्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। अडेप्टिबिलिटी पॉइंट्स मतलब कि आपकी आपकी इंग्लिश जो है वो उसका लेवल, आपकी एज, आपकी मैरिटल स्टेटस, आपके चिल्ड्रन और आपके स्पाउस की जो है इंग्लिश फ्लुएंसी कितनी है एंड उसका एक्सपीरियंस क्या है एंड उसकी एजुकेशन क्या है, उसके हिसाब से आपको मिनिमम 50 पॉइंट्स जो है कलेक्ट करने हैं आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। एंड ये भी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, तो आप इसके लिए भी जो है ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा है मैनिटोबा PNP बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। तो इसमें चाहिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 150,000 कैनेडियन डॉलर, 1,50,000 कैनेडियन डॉलर एंड नेटवर्थ ऑफ 3,50,000 कैनेडियन डॉलर जो आपको बैंक में बताने हैं कि आपके पास 3,50,000 कैनेडियन डॉलर है, 3,50,000 कैनेडियन डॉलर आपके पास हैं। तो इंडियन रुपीज़ में आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए एज ए 50 रुपीज़ कैलकुलेट करके, एंड द सोर्स ऑफ फंड वो आपको लगाना ज़रूरी है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 75 लैक्स आपको जो है मैनिटोबा में इन्वेस्ट करने ज़रूरी हैं। अब इसमें आपको चाहिए 3 इयर्स का मैनेजमेंटल एक्सपीरियंस आपके रिलेटेड बिजनेस का जो आप करने जा रहे हैं। ओवरऑल मिनिमम 4 IELTS बैंड आपको चाहिए एंड 60 पॉइंट्स इन अडेप्टिबिलिटी असेसमेंट। इसमें आपको 60 पॉइंट्स गैदर करने हैं आपके स्पाउस के, आपकी स्पाउस के एजुकेशन के, इंग्लिश लेवल के एंड आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रंस के। तो उस हिसाब से जो है आपको 60 पॉइंट्स मिनिमम लेना ज़रूरी है आपको नॉमिनेशन लेटर लेने के लिए। एंड उसके बाद में आपको मैनिटोबा में इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले एक एक्सप्लोर विजिट करना पड़ेगा आपको, एरिया डिसाइड करने के लिए आपको क्या बिजनेस करना है और आपकी किस हिसाब से किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। ये अप्लाई करने से पहले आपको एक एक्सप्लोर विजिट करना पड़ेगा, आपको डिटेल बतानी पड़ेगी वहाँ पे कि हम यहाँ आना चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसके लिए आपको पहले विजिट करके पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, आपके इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड उसके हिसाब से आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 75 लाख इंडियन रुपीज़ एंड 3,50,000 कैनेडियन डॉलर आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए सोर्स के साथ में। तो नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड 100% ओनरशिप प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंडर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी है 1,50,000 कैनेडियन डॉलर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 75 लाख इंडियन रुपीज़ होता है, 75 लाख इंडियन रुपीज़। एंड नेटवर्थ आपको होना चाहिए 6
लाख कैनेडियन डॉलर, 600,000 कैनेडियन डॉलर आपका नेट वर्थ होना चाहिए प्रूफ्स के साथ में, सोर्स के साथ में। आपकी एज लिमिट 21 to 59 ईयर्स तक हो सकती है आप जब अप्लाई करें। मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल मांग रहे हैं यहाँ पे, एंड आईएलटीएस में ओवरऑल 4 बैंड मांगते हैं। इसमें कोई इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं बताया कि आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। आप बिजनेस करने जा रहे हैं किसी कंट्री में तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी तो आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पर इन्होंने कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस का जो है स्पेसिफिक पीरियड मेंशन नहीं किया, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि आईएलटीएस के 4 बैंड मांगे हैं और 600,000 अप्रोक्सीमेटली कितना इंडियन रुपीज़ होगा, 3 करोड़ इंडियन रुपीज़ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए दिखाना पड़ेगा। एंड उसके बाद 75 लाख आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहाँ पर जाके, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोग्राम। एंड उसके बाद आता है यूकॉन टेरिटरी बिजनेस नॉमिनी प्रोग्राम। तो इसमें जो है आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 150,000 कैनेडियन डॉलर, 1.5 लाख कैनेडियन डॉलर आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपको बतानी है 75 लाख अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़, एंड नेट वर्थ ऑफ 250,000 कैनेडियन डॉलर, 2,50,000 कैनेडियन डॉलर आपका नेट वर्थ जो आपको बैंक में सोर्स के साथ आपकी कमाई किए हुए पैसे आपको बताने हैं। एंड इसमें एज है 21 to 55 ऑफ एज आपकी लिमिट बताई है। ओवरऑल 6 आइल्स के बैंड आपको चाहिए इसमें। एंड इसमें आपको 56 असेसमेंट अडेप्टिबिलिटी पॉइंट्स गैदर करने हैं। तो वो पॉइंट होते हैं एज के, आपकी स्पाउस के, एजुकेशन के, इंग्लिश लेवल के, प्लस एक्सपीरियंस के, प्लस जो आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन होंगे तो उसी हिसाब से जो है ये आपको पॉइंट्स 56 पॉइंट्स लेने जो हैं ज़रूरी हैं। एंड इसमें कोई भी सर्टेन एक्सपीरियंस माना नहीं गया, कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताई गई, पर आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है कि आप वहाँ जाके जनरली बिजनेस करेंगे एंड उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करके आप गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे। अब आता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी एंटरप्रीनियर प्रोग्राम। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 कैनेडियन डॉलर, 1.5 लाख कैनेडियन डॉलर, एंड नेट वर्थ ऑफ 250,000 कैनेडियन डॉलर, 2,50,000 कैनेडियन डॉलर। एंड इसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताई गई है कि आपको 75,000 कैनेडियन डॉलर वहाँ के गवर्नमेंट बैंक में आपको एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, एज ए सिक्योरिटी कि आप वहाँ पे बिजनेस करेंगे। 75,000 कैनेडियन डॉलर जो है आपको वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रखना पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी एंटरप्रीनियर प्रोग्राम के अंडर। इसमें कोई लैंग्वेज टेस्ट, कोई आईएलटीएस या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं पूछी गई, नो मैनेजमेंट स्किल रिक्वायर्ड, कोई मैनेजमेंट स्किल भी नहीं पूछा गया। एंड 1.5 लाख कैनेडियन डॉलर 75 लाख इंडियन रुपीज़ होता है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ जो है आपको बैंक में बताना है एंड सोर्स के साथ में। एंड कोई मैनेजमेंटल स्किल नहीं चाहिए इसमें, आपको कोई इंग्लिश लेवल नहीं चाहिए, लोकल बिजनेस एंड मार्केट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसकी एक ये शर्त है कि आपको जो बिजनेस करना है एंड जिस मार्केट प्लेस में आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी मार्केट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको एक्सप्लोर विजिट करना ज़रूरी है। आप अपनी फाइल पूरी बनाइए, आप एक यहाँ पे अप्लाई कीजिए, आपको इनविटेशन आता है, उसके बाद आप एक विजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए कि हम इस वीज़े के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाना चाहते हैं, पर हमें उससे पहले एक्सप्लोर करना है कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें एंड कितनी, मतलब कि एक टोटल प्लान बनाएं हमें कि इस बिज़नेस में इतनी जगह चाहिए, इतने रेंट्स होंगे, सारा एक टोटल वर्थ प्लान चाहिए हमको, बिज़नेस प्लान। तो उसके लिए आपको एक एक्सप्लोर विजिट पे जाना पड़ेगा। दूसरा है सस्कच्छवान प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम इन बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैटेगरी। तो इसमें आपको सस्कच्छवान में मिनिमम 200,000 कैनेडियन डॉलर, मतलब कि आपको चाहिए 1 करोड़ इंडियन रुपीज़ जो है, 2 लाख कैनेडियन डॉलर जो है होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ इंडिया का, एंड अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि कैनेडियन डॉलर बढ़ेगा या कम होगा उसके हिसाब से वो होगा।
तो टोटल आपको जो है नेटवर्थ आपको 500,000 कैनेडियन डॉलर, 5 लाख कैनेडियन डॉलर का जो नेटवर्थ है सोर्स के साथ आपको बैंक में बताना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले। एंड इसमें आपकी एज चाहिए 21 to 54 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। एंड इसमें कोई आयल्स का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश लेवल आयल्स कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट 3 ईयर्स का मैनेजमेंटल जो है आपको बिजनेस मैनेज करने के स्किल्स प्रूफ के साथ में चाहिए। एंड अडेप्टिबिलिटी पॉइंट्स जो कि एंटरप्रेन्योर वीज़े के आपके होते हैं, आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं या आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं, उस हिसाब से उनकी एजुकेशन, उनकी एज प्लस उनके इंग्लिश लेवल के पॉइंट्स आपके साथ ऐड होंगे। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी कैटेगरी है, बट इसमें जो है आपको बताया गया है 500,000 कैनेडियन डॉलर, 5 लाख कैनेडियन डॉलर। तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी रीजनल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। ब्रिटिश कोलंबिया में इन्वेस्टमेंट के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें एक है ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी रीजनल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, जिसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 200,000 कैनेडियन डॉलर, 2 लाख कैनेडियन डॉलर बताने हैं। 2 लाख कैनेडियन डॉलर मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ इंडियन रुपीज। एंड आपको नेटवर्थ दिखाना है 400,000 कैनेडियन डॉलर, अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़। 2 करोड़ जो है 4 लाख जो आप बताएंगे वो सोर्स होगा, उसी में से आपको जो है 2 लाख डॉलर जो है आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ब्रिटिश कोलंबिया में इस रीजनल प्रोग्राम के अंडर आपको कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज में आप यहाँ पे आ सकते हैं। नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज स्पेसिफाइड एंड 2 ईयर्स ऑफ मैनेजमेंटल स्किल आपको एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। बट इन दिस प्रोग्राम यू हैव टू बी इन ब्रिटिश कोलंबिया। जियोग्राफिक लिमिट है, क्योंकि हर एक प्रोविंस की अलग अलग इकोनॉमी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आपको ब्रिटिश कोलंबिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो एक इसकी कैटेगरी है, एक रिस्ट्रिक्शन है इसमें। एंड उसके बाद में है नेक्स्ट ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। पहला जो मैंने आपको बताया रीजनल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम था, ये पीएनपी एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। तो इसमें आपको है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 400,000 कैनेडियन डॉलर, 2 करोड़ इंडियन रुपीज़ आपको वहाँ पे 100% इन्वेस्ट करने हैं, जिसमें से आपको नेटवर्थ बताना है 800,000 कैनेडियन डॉलर, अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ इंडियन रुपीज़। एंड इसमें कोई एज लिमिट नहीं है एंड कोई लैंग्वेज का टेस्ट, इंग्लिश का एंड आपकी और कुछ भी पूछा नहीं गया। एंड आपको मैनेजमेंटल एक्सपीरियंस 2 साल का होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आप वहाँ पे कैसे इस्टेब्लिश करेंगे अपने आप को, ये चीज़ की गवर्नमेंट को चिंता होती है। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एंड इस पीएनपी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंडर आप ब्रिटिश कोलंबिया में कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो जियोग्राफिक लिमिट, आप यहाँ का प्रोग्राम लेके आप बाद में वैंकूवर में, टोरंटो में सेटल नहीं हो सकते। पीएनपी प्रोग्राम के अंडर अगर आप आते हैं तो जिस पीएनपी प्रोग्राम में आप हैं उसी में आपको सेटल होना है, तो ये एक चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा आपको एक्सप्लोर विजिट बहुत ज़रूरी है ब्रिटिश कोलंबिया में भी। आप अपने एक बिजनेस प्लान प्लस आपकी फाइल रेडी करके आप इनविटेशन ले सकते हैं स्टेट से, उसके बाद जो है आप विजिट पे जा सकते हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि हमारी बिजनेस इन्वेस्टमेंट इतनी करनी है, तो किस कैटेगरी में, किस बिजनेस में कितने एरिया, कितने खर्चे वगैरह होंगे, एक बिजनेस प्रॉपर प्लान बनाने के लिए। तो उसके बाद में आके आप जो है अपना जो प्रोसेस फाइल CIC के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ही प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर जो मैंने बिजनेस कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स जो मैंने आपको डिफरेंट बताए हैं, इसमें सबसे पहले आपको पीएनपी मतलब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आपको स्टेट से, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोविंस में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ से आप अपनी फाइल भेज के आपको एक नॉमिनेशन इन्विटेशन लेना है। एंड वो जब इन्विटेशन आता है तो उसके बाद आप CIC में जाके आप अपने फाइल को जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर वीज़ा के लिए। वीज़ा आपको जो है 5 ईयर्स का मिलता है। 5 ईयर्स के वीज़े में आपके 730 डेज़ कनाडा में रहना ज़रूरी है। अगर आप मल्टीपल कंट्री में बिजनेस करते हैं तो मिनिमम 2 ईयर्स आपको वहाँ पे बताना है। हर साल 5 महीने आपको कनाडा में बताने हैं कि आपको रहना ज़रूरी है 730 डेज़। एंड उसके अलावा आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। प्लस जो है टैक्सेस की जो बारी आती है, तो USA में या अदर कंट्रीज़ में जो है टैक्सेस के डिफरेंट प्लान्स हैं, पर कनाडा का जो
टैक्स प्लान है, जो इन्वेस्टमेंट आपने कनाडा में की है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर से आपने जो मनी बनाया है, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको उसी के ऊपर जो है टैक्स भरना है, एक्स्ट्रा टैक्स आपको नहीं भरना है। एंड इसके अलावा आपका मेडिकल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, एंड उसके अलावा आपके पुलिस क्लियरेंस, ये प्रूफ करने के लिए कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये था मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम प्लान जो आप कनाडा में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी सिटीजन पीआर मिलती है बहुत इमीडिएटली, एंड 5 ईयर्स का आपको वीज़ा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये जो फैसिलिटी है, आप बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा, उस वीडियो में मैं आपको कैनेडियन स्टैंडर्ड रेज्यूमे बनाने का टिप्स दूंगी, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि उसमें आपने कैसे अपनी जो CV बनानी है। तो आप मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड खुश रहें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।